हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील सर आज एक आपके लिए एक नया चैप्टर शुरू कर किया है हमने, चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन जो कि मध्यकालीन भारत की संस्कृति में अपना योगदान रखते हैं, आज हम उसका ध्यान करेंगे कि चंद्रशेखर वेंकट रमन ने अपने जीवन में कौन सी उपलब्धियाँ प्राप्त की थी और भारत के इतिहास को इससे क्या प्रेरणा प्राप्त होती है। सभी का ध्यान मेरे ध्यान के साथ यहाँ बोर्ड पर रहेगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन, सॉरी, चंद्रशेखर वेंकट रमन की यदि बात की जाए तो इनका जन्म 1888 1888 में हुआ था। इनका जन्म स्थान जो रहता है बच्चों, ये दक्षिण भारत के त्रिचनापल्ली नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। त्रिचनापल्ली में एक गांव होता है और उस गांव का नाम होता है तिरुकवाला नामक स्थान, गांव में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर होता है, चंद्रशेखर अय्यर। इनकी माता का नाम होता है अमला देवी होता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन की अगर हम शिक्षा की बात करें तो वॉल्टियर कॉलेज में इन्होंने अध्ययन किया था। अगर हम बात करें तो इन्होंने बीएससी की डिग्री प्राप्त की थी इन्होंने 1904 ईस्वी में, और अगर हम बात करें 1907 ईस्वी में इन्होंने एमए किया था। एमए करके ये डिप्टी डायरेक्टर के पद पर आसीन होते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों चंद्रशेखर वेंकट रमन की। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म होता है 1888 में, इनका जन्म होता है। इनका जन्म स्थान दक्षिण भारत होता है, यहाँ पे त्रिचनापल्ली नामक स्थान के त्रुकवाला नामक गांव के अंदर इनका जन्म होता है। चंद्रशेखर अय्यर हैं ये, इनके पिता हैं, इनकी माँ अमला देवी है। माता पिता के सहयोग से इन्होंने आसमान की ऊंचाइयों पर गए थे। इन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की थी। ये अपने पिता इनके पिता जो थे वो कॉलेज में प्रोफेसर थे, गणित और फिजिक्स में बहुत अच्छे इनके पिता माता पिता इनके पिता जो थे वो ज्ञाता थे। इनकी माँ की प्रेरणा से ही अपने जीवन की ऊंचाइयों को हासिल कर पाए थे। वॉल्टियर कॉलेज की हम एजुकेशन की बात करते हैं तो वॉल्टियर कॉलेज में इनका अध्ययन हुआ था। वॉल्टियर कॉलेज वहीं दक्षिणी भारत में है, और फिर बीएससी की डिग्री इन्होंने 1904 में की थी और 1907 में एमए किया। एमए करके ये जो वित्त विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर आसीन हुए। और यदि बात की जाए बच्चों तो इस समय भारत में 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, क्योंकि 1905 में भारत में बंगाल का विभाजन कर दिया था। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, उस जमाने के अंदर पश्चिमी बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये पश्चिमी बंगाल कहलाता था, और पूर्वी बंगाल जो बाद में जाके बांग्लादेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यहाँ जो पहले ये पूरा बंगाल था, एक पश्चिमी बंगाल एक पूर्वी बंगाल, इसको डिवाइड किया यहाँ से 1905 के अंदर। और बंगाल विभाजन के अगेंस्ट भारत में
1905 में कौन सा आंदोलन चला? स्वदेशी आंदोलन। रविंद्रनाथ टैगोर जो आपने पहले पिछली कक्षाओं में पढ़ाया बच्चों, ये बांग्ला साहित्य में आमार सोनम बांग्ला, आमार सोनम बांग्ला राष्ट्रगान लिखा था बंगाल के लिए। बंगाल का ये राष्ट्रीय गीत माना जाता है यहाँ पे। तो यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों की ये हमने देखा 1904 में जब चंद्रशेखर वेंकट रमन बीएससी की डिग्री कर रहे थे तो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था जो 1885 से 1919 का काल जो है वो भारत के स्वतंत्रता का काल कहलाता है। यहाँ पे 1905 में हमने बात की, 1904 की, 1904 के बाद 1905 में भारत की क्या परिस्थितियाँ रहती है। इस समय बंगाल जो है उसके दो विभाजन कर दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त करने के लिए कि हिंदू जो है वो मुसलमानों से लड़ेंगे और मुसलमान हिंदुओं से लड़ेंगे, आपस में लड़ कट के आपस में ही समाप्त हो जाएंगे। यहाँ अंग्रेज़ों को फूट डालो राज करो की नीति चल रही थी और फूट डालो राज करो की नीति में फ़ायदा किसको हो रहा था? अंग्रेज़ों को फ़ायदा हो रहा था। बंगाल विभाजन था, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, अलग अलग जगह पर ये स्वदेशी आंदोलन हो रहा था, महाराष्ट्र में हो रहा था और पंजाब में हो रहा था, अलग अलग जगह अलग अलग नेता इसका विरोध कर रहे थे। अब 1906 और 1906 में क्या होता है बच्चों, 1906 में भारत में एक कोलकाता अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। कोलकाता अधिवेशन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और 1885 में कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम जो होते हैं वो सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर होते हैं। ये भारत के लिए एक सेफ्टी बोर्ड लेकर आते हैं कि भारत में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनेगा। कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया जाता है। अमेरिका, अभी मैंने आपको स्वतंत्रता संग्राम पढ़ाया था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो अमेरिका के अंदर एक कांग्रेस, दक्षिणी अमेरिका में एक न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन हो रहा था स्टाम्प एक्ट 1765 में। उस सम्मेलन के अंदर स्टाम्प एक्ट कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। स्टाम्प एक्ट कांग्रेस सम्मेलन में जेम्स ओटिस ने कहा था बिना प्रतिनिधित्व के टैक्स नहीं है। वहीं कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, तो यहाँ एक लोगों का समूह बना था। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था जिसके व्योमचंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। बम्बई के बाद दूसरे नंबर का कोलकाता में हुआ था, फिर मद्रास में और फिर इलाहाबाद में, चार सम्मेलन। और उसके बाद हर साल दिसंबर के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन का आयोजन होने लगा था। तो 1906 के अंदर जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, इस कोलकाता अधिवेशन के दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे और दादा भाई नौरोजी ने स्वराज का डिमांड किया था कि स्वराज की मांग की थी। और यदि स्वराज शब्द की अगर बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इन्होंने शिवाजी, भारतीय राष्ट्रीय एकता के विकास में शिवाजी और गणेश उत्सव का इन्होंने आयोजन किया था। और यदि देखा जाए तो 1 अगस्त 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी और 1 अगस्त 1920 में ही महात्मा गांधी ने भारत में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ये सारी गतिविधियां ये
चंद्रशेखर वेंकट रेवन के समय जब वो अध्ययन कर रहे थे, जब वो एमए की डिग्री कर रहे थे, बीएससी की डिग्री कर रहे थे, उस समय भारत में कौन सी परिस्थितियाँ चल रही थी स्वतंत्रता की, और भारत अग्रसर हो रहा था, और हमारे ये जो चंद्रशेखर वेंकट रमन हैं ये अपने अध्ययन में ध्यान दे रहे थे, इनका ध्यान अध्ययन में था। इन्होंने भी जो है डिप्टी डायरेक्टर का पद हासिल किया था। अभी मैंने बताया असहयोग आंदोलन चल रहा था कि ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देना, असहयोग आंदोलन कहलाता है। महात्मा गांधी आपको पता है हमेशा वो सत्याग्रह के आधार पर चलते थे महात्मा गांधी। अब बोले तो बच्चों सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब होता है कि शत्रु जो है उसको पराजित नहीं करके उसके मन को जीत लेना, वो पहली सत्याग्रह की पहला भाग होता है सत्याग्रह का। अहिंसा इसका दूसरा भाग होता है सत्याग्रह का, हमें किसी की हिंसा नहीं करनी है सत्याग्रह का। तीसरे नंबर का अगर मैं बोलूँ तो बच्चों तीसरे नंबर पे होता है हिजरत, कि उस जगह को छोड़कर चले जाना चाहिए जहाँ से मानव प्राणी को दुख और पीड़ा प्राप्त होती है। और चार नंबर पे सत्याग्रह का जो रूप होता है वो उपवास होता है। उसी सत्याग्रह के मार्ग पे चलने वाले महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था भारत में। 1 अगस्त 1920 को ये प्रारंभ हुआ था। यहाँ तक की हमने बात की थी, मैंने आपको बताया 1907 में इन्होंने एमए की डिग्री हासिल की थी। यहाँ 1907 में भारत में सूरत का अधिवेशन होता है, सूरत का अधिवेशन होता है, और सूरत के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन होते हैं? रास बिहारी बोस का नाम आपने सुना होगा, रास बिहारी बोस। और इसी अधिवेशन के अंदर भारत में दो दल बनते हैं, एक उदारवादी दल बनता है और एक उग्रवादी दल बनता है। यदि हम देखे जाएँ तो बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी दल से थे। बार बार ये मांग हो रही थी कि 1906 में भी ये डिमांड हुई थी कि बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया जाए, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक एक उग्रवादी विचारधारा के थे। 1906 में भी बाल गंगाधर तिलक की नहीं चली थी। 1907 में भी एक बार ये डिमांड हुई थी कि बाल गंगाधर तिलक ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। लेकिन यहाँ देखिए, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त नहीं करके रास बिहारी को यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। जूते चप्पल यहाँ चल पड़े थे और दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया था अधिवेशन के अंदर। यहाँ उग्रवादी अपने रास्ते हो गए थे और उदारवादी अपने रास्ते हो गए थे। तो ये हमने देखा चंद्रशेखर वेंकट रमन के जीवन काल से जुड़ी हुई भारत की परिस्थितियाँ कौन कौन सी थी। हमने क्या अध्ययन किया बच्चों? यहाँ चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 1888 में होता है, दक्षिण भारत में इनका जन्म होता है। फिर हमने देखा त्रिचनापल्ली नामक स्थान पर त्रू वाला इनका गांव होता है। चंद्रशेखर अय्यर इनके पिता स्वयं एक प्रोफेसर होते हैं। फिर हमने देखा इनकी माता अमला देवी इनकी माँ का नाम है। फिर हमने देखा वॉल्टियर कॉलेज में इन्होंने अध्ययन किया था। फिर हमने बात की थी बीएससी की इन्होंने डिग्री हासिल की थी, फिर एमए की डिग्री हासिल की थी। उस समय हमने देखा कि भारत में कौन कौन सी परिस्थितियाँ हो रही थी। हम देख रहे थे कि 1905 के अंदर स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, बंगाल का विभाजन हो गया था। फिर 1911 के अंदर जॉर्ज पंचम जो ब्रिटेन से आए थे उन्होंने वापस इसका एकीकरण किया था। और 1911 तक भारत की राजधानी कोलकाता थी, बाद में 1911 से ये आगे ट्रांसफ़र हो गए, भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को बनाया गया था। फिर हमने देखा कि बंगाल बिहार उड़ीसा ये पूरा क्षेत्र माना जाता है पूर्वी बंगाल। फिर हमने देखा 1906 में कोलकाता का अधिवेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी जो भारत के व्योवर्ध नेता कहलाते हैं, जिन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन्होंने किताब लिखी थी, इन्होंने स्वराज शब्द का डिमांड किया था। और स्वराज शब्द का अगर हम देखें तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यहाँ शिवाजी है, उत्सव मनाया इन्होंने, गणेश उत्सव मनाया इन्होंने भारत की राष्ट्रीय एकता को, राष्ट्रीय एकता का प्रचार प्रसार करने के लिए। और यहाँ 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी,
इसी दिन शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की। आज हमने यहाँ तक का हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम चंद्रशेखर वेंकट रमन के आगे के जो कॉन्सेप्ट और तथ्य हैं उनका हम उन पर विचार करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी बच्चों को धन्यवाद।